अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, वॉल सेक्शन न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। देश आज ईद का त्यौहार बहुत सादगी के साथ मना रहा है क्योंकि कोरोना महामारी के इस दौर में सभी लोग अपने घरों में ही रहने को मजबूर हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और देश के जाने माने नेताओं ने जनता को ईद की मुबारकबाद दी है और उम्मीद जताई है, दुआ की है कि जल्द से जल्द ये महामारी का दौर खत्म हो और देश एक बार फिर से खुशहाल हो, तरक्की की राह पर आगे बढ़े। आज की इस रिपोर्ट में हम आपके समक्ष लेकर आए हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ईद कैसे मनाई जा रही है, देश के अन्य भागों में ईद कैसे मनाई जा रही है और ईद का ये जो त्यौहार है ये क्या संदेश देता है। आइए देखते हैं हमारी है खास रिपोर्ट। रोजेदारों को माहे रमजान में की गई नेकियों और इबादतों का सिला ईद की खुशियों के तौर पर नसीब होता है। अलबत्ता कोरोना की महामारी ने मीठी ईद के नाम से जानी जाने वाली ईद उल फितर की रौनकों को फीका कर दिया है। यही स्थिति पिछली ईद पर भी थी, तब भारत में देशव्यापी लॉकडाउन था। इस बार भी ईद ऐसे दौर में पड़ी है जब कोरोना की दूसरी लहर अपने चरम पर है। इसके सबब कहीं पूर्ण तो कहीं आंशिक तौर पर लॉकडाउन लगा हुआ है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां ईद का त्यौहार बहुत सादगी से मनाया गया और लोगों ने ज्यादातर अपने घरों पर ही नमाज पढ़ी। कुछ लोग बेहद छोटे समूहों में मस्जिद में नमाज पढ़ने आए। यहाँ पे ईद की नमाज अदा की गई है मात्र 5 आदमियों से, और पहले बहुत सारे आदमी नमाज़ पढ़ते थे। ये कोरोना काल की वजह से नमाज सिर्फ प्रशासन की तरफ से सिर्फ 5 आदमी का इजाज़त दी गई है, इसलिए हम लोग 5 आदमी नमाज यहाँ पे अदा की है। उधर दिल्ली में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने भी लोगों से घर पर ही ईद मनाने की गुजारिश की है और पुरानी दिल्ली में आज पुलिस का सख्त पहरा भी है। हमने पिछले साल की तरह इस साल भी काफ़ी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, काफ़ी फोर्स डिप्लॉय की हमने, साथ ही साथ हमने प्रोएक्टिवली हमने मौजूद लोगों से बातचीत करके हमने कोशिश की है कि सभी लोग अपने घरों पर रहें, सभी लोग अपने घरों पर नमाज अदा करें। सबको मैं ईद की हार्दिक बधाई देना चाहूँगा और यही कहना चाहूँगा कि सब लोग इस पर्व को अपने अपने घरों में मनाएं और हमने काफ़ी अपील की है लोगों से और लोग हमारा साथ भी दे रहे हैं इसमें। सर, लोगों का आना शुरू हो रहा है, क्या देखा जा रहा है, लोग आना शुरू हो रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नोटिस में नहीं आया। सब लोग हमारे जो हमने जो मेजर्स लिए हैं उनको फॉलो कर रहे हैं और साथ दे रहे हैं और अपने घरों से ही नमाज अदा कर रहे हैं। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी अपने घर पर ही ईद की नमाज पढ़ी और देश में खुशहाली की कामना की। सभी को सेहत और सलामती की दुआओं के साथ ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। हमें प्रिकॉशन, प्रिवेंशन और प्रेयर के जरिए ही इस पैंडेमिक से न केवल भारत को बल्कि दुनिया, पूरी दुनिया की इंसानियत को निजात दिलानी है और यही प्रिकॉशन, यही प्रिवेंशन और यही प्रेयर हमें जो है वो इस पैंडेमिक से निजात दिलाएगी। हमारे देश में आज बहुत मजबूती के साथ युद्ध स्तर पर इस कोरोना पैंडेमिक से मुक्त देशवासियों को कराने के लिए काम हो रहा है। इसमें सरकार भी काम कर रही है, समाज भी काम कर रहा है और समाज का सभी हिस्सा बढ़ चढ़ करके इस दिशा में काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शुरू से ही पूरी मजबूती के साथ बिना रुके हुए, बिना थके हुए हर व्यक्ति, समाज के हर हिस्से की सेहत और सलामती के लिए काम कर रहे हैं और हम आज करोड़ों की संख्या में वैक्सीनेशन हो गया है और आने वाले दिनों में करोड़ों लोगों को वैक्सीन लगेगी। यह देश हमारा 135-140 करोड़ का देश है और हमें पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि हम इस पैंडेमिक से बाहर निकलेंगे और सभी लोगों की सेहत और सलामती सुनिश्चित होगी। बहरहाल महामारी के इस दौर की बात करें तो मुसलमानों ने जिस तरह पूरे रमजान में सब्र और संयम से काम लिया, उसे अपना यही रवैया ईद के मौके पर भी बनाए रखना है। इसमें कोई शक नहीं कि ईद मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार है। यह खुशी उन्हें रमजान के पूरे महीने रोजे रखने और नेकियों के बदले अल्लाह की तरफ से इनाम के तौर पर मिलती है। यही वजह है कि मुसलमान दिल खोलकर ईद का जश्न भी मनाते हैं, नए नए कपड़ों की खरीदारी करते हैं, ईद के दिन बनने वाले तरह तरह के पकवानों की तैयारियों में कई दिन पहले से लग जाते हैं। क्या बच्चे और क्या बड़े, सभी इसकी तैयारी जोर शोर से करते हैं। यही वजह है कि ईद से चंद दिन पहले तक बाजारों में खूब चहल पहल रहती है, लोग जमकर खरीदारी करते हैं। अलबत्ता दो बार से ईद कोरोना संकट की ऐसी घड़ी में पड़ रही है जब हर तरफ आर्थिक और कारोबारी गतिविधियां थमी हुई रहीं। इसकी वजह से गरीब और मजदूरों के साथ दिहाड़ी मजदूर
भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। सरकारी स्तर पर उनको सहायता मिल भी रही है तो वह नाकाफी है। देश के शहरों से प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी है। ऐसी नाजुक परिस्थितियों को नजरअंदाज करके अगर हम ईद की खुशियों में लग जाएं तो यह हमें शोभा नहीं देगा। हम स्वयं नए कपड़े पहने और लोगों को असहाय छोड़ दें, क्या इससे हमारा रब हमसे राजी हो जाएगा? ऐसा करने से जाहिर है हमारी रमजान के पूरे महीने की कमाई हुई नेकियां बेकार हो सकती हैं। पैगंबर मोहम्मद ने फरमाया है कि जिसने किसी की ऐसी जायज जरूरत को पूरा किया जिससे वह खुश हो जाए तो उसने मुझे खुश किया, और जिसने मुझे खुश किया तो उसने अपने रब को खुश किया। उक्त हदीस की रोशनी में अगर देखा जाए तो कोरोना संकट काल ने हमें खुदा को राजी करने का बेहतरीन अवसर भी प्रदान किया है। इस समय जरूरतमंदों को तलाश भी नहीं करना पड़ेगा, आपके आसपास ही बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्हें वाकई सहायता की आवश्यकता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें कोरोना वायरस की वजह से जारी लंबे लॉकडाउन ने बेरोजगार कर दिया है। विशेषकर दिन भर मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का पेट पालने वालों के पास तो कुछ नहीं बचा है। आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जिनकी गैरत उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने से रोक रही है, वह हमारी मदद के असल हकदार हैं। ईद के दिन अदा की जाने वाली फितरे की रकम के लिए भी इस बार हकदारों को तलाश करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इससे अल्लाह राजी भी होगा और समाज में आपसी भाईचारे की मिसाल भी कायम होगी। इस बार ईद के मौके पर मुसलमानों को एक दूसरे के घर जाने और दावतें देने लेने से भी परहेज करना चाहिए। कपड़ों और ईद की खरीदारी से परहेज करने से जो रकम बचे उसे मजबूर, लाचार और भूखे लोगों की मदद करने में खर्च करेंगे तो यह ईद सबसे अच्छी और अल्लाह की पसंदीदा होगी। लेकिन जब कुछ ऐसे दृश्य सामने आते हैं जिससे बचा जाना चाहिए तो यकीनन सवाल उठेंगे ही। जैसे अमृतसर की जामा मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ने के लिए भीड़ उमड़ी। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम चाहे जिस भी धर्म से वास्ता रखते हों, अपनी आस्था तभी प्रकट कर पाएंगे जब हमारा जीवन बचेगा।